तो फ्रेंड्स आज का रिव्यू है इस ज़बरदस्त बाइक का जिसका नाम है यामाहा MT15 मॉडल जो कि आता है 155cc में। सो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। फर्स्ट इनिशियली यू गेट द किल स्विच इंजन ऑन द राइट और ये बहुत ही बढ़िया सा इसका ये डिजिटल डिस्प्ले आता है जिसमें आपको RPM उसके साथ में टैकोमीटर और स्पीडोमीटर भी आता है। सो लेट अस चेक आउट हाउ इट फील्स। ओके ठीक ठाक सा लगता हुआ हैंडलिंग फाइन। इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है स्टार्टिंग में वो बहुत ही बढ़िया आती है फ्रेंड्स और इसका जो टॉर्क दिया इन्होंने 14 NM का जो कि इनिशियल RPM से हमें मिलता है वो भी बहुत बढ़िया सा है। सो चलिए इसे थोड़ा सा और स्पीड अप करके देखते हैं। फ्रेंड्स सिटिंग में अगर कहा जाए तो ये स्पोर्टी अच्छा सा है, बहुत ही बढ़िया सा इसमें सीटिंग अरेंजमेंट दिया है हमें। इंक्लाइन है आगे की तरफ से लेकिन इतना भी इंक्लाइन नहीं है जितना कि बाकी स्पोर्ट्स बाइक में हमें मिलता है। सो इट्स फाइन, R15 की तरह भी नहीं है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड दिया है तो वो भी ठीक ठाक है क्योंकि मैं तो क्रूज़र बाइक चलाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कंफर्टेबल लग रहा है एट अ सर्टेन पोजिशन। सो ठीक ठाक सा है, ब्रेकिंग भी उसका बढ़िया लग रहा है। सिर्फ जो मिरर्स है फ्रेंड्स रियर व्यू मिरर्स उसमें से थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा होती नज़र आती है, कम ज़्यादा इन द सेंस जो वाइड एंगल उसने कवर करना चाहिए मिनिमल वो उसमें थोड़ा सा कम लग रहा है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन दैट दे हैव गिवन देयर। एट द इनिशियल टॉक इट इज़ फाइन, हैंडलिंग भी थोड़ा ईजी चल रहा है, वेट भी इसका एकदम स्टैंडर्ड है, ज़्यादा हीवी नहीं है बाइक। सो अगर आप फर्स्ट टाइम ही इस बाइक को परचेस कर रहे हो तो भी ये ठीक है। इफ़ यू आर एन एमेच्योर राइडर इट्स फाइन फॉर यू टू राइड। और मेरे पीछे पिलियन बैठा है उसको लेके मैं चला रहा हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा, मतलब तो ऐसा नहीं है कि पीछे पिलियन है तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। इसे और स्पीड अप करते हैं, आई थिंक इन्होंने स्पीडोमीटर बंद कर दिया इसका। एंड यू गेट 6 गियर्स ऑन दिस बाइक और जितने भी आप गियर्स यूज़ करते हो वो आपको सामने डिजिटल मीटर पर दिखाई देते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट चेंजिंग द गियर्स कंटिन्यूसली, यू गेट टू नो इट इजीली। ठीक है इनिशियल स्पीड अप तो बढ़िया है, मिडिल टॉक भी अच्छा है इसका। इन शोरूम वालों ने मुझे बताया कि ये जो बाइक है अबव 7000 RPM जब आप जाते हो तो भी इसका टॉर्क उतना ही रहता है जितना इनिशियल मोमेंट पे था, इनिशियल RPM उस पर था, लेकिन एट अ सर्टेन स्टेज वो फील नहीं आ रहा है। मे बी इन्होंने उसमें कुछ पावर वगैरह कम कर दिया हो तो यहाँ से अभी कर लेना पड़ेगा। रोड खत्म, दिस इज द ओनली रोड दैट वी हैव फॉर गुड टेस्ट राइड। इसके जो लाइट्स है फ्रेंड्स जो हेडलाइट्स दिखाए गए जो कि एक इट रिजेंबल्स सुपर हीरो सो इट्स क्वाइट गुड इन द लुक बट इट हैज़ टू बी टेस्टेड इन द नाइट लाइट्स फ्रेंड्स क्योंकि रात के वक्त हमें दो टाइप्स बेसिकली लगते हैं, एक अपर एक डिपर। सो अगर दोनों भी थोड़े से वाइड हो तो ये थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि मोस्टली आप अगर सिर्फ रोड पर फोकस करोगे थोड़ा वो डाइवर्टिंग हो जाता है क्योंकि साइड से क्या आ रहा है रोड के तो वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी स्पीड ऑन द मिड टॉक्स इज गुड, इसका जो टायर है फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सा क्वालिटी का इन्होंने दिया है, जो उसकी वेड़ थे वो काफ़ी बढ़िया है, उसकी वजह से मुझे एकदम रोड के ऊपर जो है वो एक स्टिक टू द रोड जिसको हम कहते हैं वैसे हो रहा है।
चलती है ये गाड़ी, कहीं इम्बैलेंस नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया है। ये मिरर का प्रॉब्लम इसलिए मैंने बोला, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बार बार उसे। इनिशियल टॉक में थोड़ा सा फाइबल, इसे इन रोड्स पर यूज़ करके देखना ज़रूरी है, इस जगह पर टेस्ट राइड लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में हर जगह पे आपको पॉश रोड्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट एनी मोटरसाइकिल ऑन दीज काइंड्स ऑफ रोड्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया वी हैव द सेम रोड्स, राइट। तो चलिए वापस इनटू द शोरूम, लेकिन शोरूम किधर है? ओके, बाकी मोनोशॉक मिला है ऐसे एट द रियर, इन द फ्रंट यू हैव द सेम ट्रेडिशनल शॉक अप्स, बट इट्स गुड फॉर द पिलियन ऑल्सो। थोड़े से हार्ड लग रहे हैं शॉक अप्स ऑन दिस टाइप ऑफ रोड्स, अभी से हार्ड है तो बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इस तरह के रोड पर चलाना। और जो प्राइस है फ्रेंड्स इसकी, वो प्राइस इन्होंने बताई मुझे 1,63,000 ऑन द रोड, सो आई गेस इट इज़ टू मच फॉर अ बाइक विथ 155 cc डिस्प्लेसमेंट। ओए भाई, इतना कहाँ आ गया। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट द MT15।